नमस्कार। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से महज 150 किलोमीटर दूर पर स्थित श्रावस्ती जिले में सीता द्वार का महत्व कुछ इस प्रकार है। लोगों द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर लवकुश का जन्म हुआ था। भगवान लवकुश महर्षि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त किए थे। हम आपको अपने खबर में पूरी कहानी दिखाएंगे। देखिए वो जगह जहां सीता माता ने काटा वनवास का समय, जहां जन्मे भगवान लवकुश। नमस्कार, मैं अभिषेक सोनी, आप देख रहे हैं समाचार न्यूज। समाचार न्यूज के आज खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि श्रावस्ती जिले में मौजूद सीता द्वार मंदिर की महत्ता आखिर क्या है। लोगों द्वारा कहा जाता है कि यह लवकुश की जन्मस्थली है। सीता द्वार मंदिर पर मैं मौजूद हूँ इस समय। यहाँ के पुजारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार सीता द्वार मंदिर की महत्ता क्या है। पुजारी जी, क्या नाम है पहले तो? पंडित संतोष दास तिवारी, जिला श्रावस्ती, सीता द्वार के मंदिर की पुजारी। सभी भक्तों से जय सीताराम। ये हमारे यहाँ जिला श्रावस्ती में सीता द्वार, ये लवकुश जन्म स्थली है, सीता द्वार के नाम से विख्यात है। और पहले तो हम आपसे परिचय इस तरह से लेना चाहेंगे क्योंकि कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं। सुनने में आया है कि जो आपके पुरखे रहे हैं वो भी इसी मंदिर में रहे हैं, तो क्या रहा है? हमारे यहाँ के श्री तिलक राम दास इस मंदिर के महंत, मैं उनका शिष्य हूँ, पंडित संतोष दास तिवारी। जो मैं 7 वर्ष के थे तभी इसी मंदिर का सेवा सत्कार कर रहा हूँ और इसी मंदिर में रहता हूँ हमेशा। श्रद्धालुओं का दर्शन मिलता है इसी जगह। सीता द्वार मंदिर का अपना एक अलग महत्व है। लोगों को द्वारा बताया जाता है कि ये लवकुश की जन्मस्थली है। क्या है सीता द्वार की जो पुरानी जो यहाँ की बातें हैं वो क्या है? हाँ, यहाँ का जो है भगवान ने जब व्यक्ति के लिए घोड़ा छोड़ा, यहाँ पर लवकुश का जन्म हुआ है। लवकुश का जन्म भी हुआ है और लवकुश को ज्ञान बुद्धि भी प्राप्ति मिली थी। यहाँ महर्षि वाल्मीकि भी आश्रम में, और चलकर भी दर्शन किया जाए लवकुश सीता माता का मंदिर में। तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर और भगवान लवकुश जिनकी जन्मस्थली यहाँ हुई है उनका दर्शन करते हैं और आप सभी को करवाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो महत्व है, यहाँ के जो लोगों का कहना है, जो लोग यहाँ के बता रहे हैं उनका कहना ये है कि हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर जब लवकुश का जन्म हुआ था तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा उनको शिक्षा दिया गया था। मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और अपने कैमरामैन से हम कहेंगे कि वो आएँ और दिखाएं कि यहाँ पर जो लवकुश का मंदिर है, जो माता सीता का मंदिर है, वो कितना भव्य है। यहाँ का अपना एक अलग महत्व है कि जो यहाँ आता है वो निराश नहीं लौटता है। तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हम जानेंगे और भी बातें कि आखिरकार यहाँ की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पुजारी जी थोड़ा विस्तार से बताएं। ये जैसे त्रेता युग की कहानी है, त्रेता युग में जब सीता माता के ऊपर धोबी का लक्षण लगा, अयोध्या के नगर निवासी ने लगाया धोबी का जब लक्षण, तो उस लक्षण के द्वारा राजा रामचंद्र जी ने प्रत्याग किया और सीता जी को फिर लक्ष्मण जी को फिर आदेश दे के ले जाकर सीता जी को वन में छोड़ी आई। तो लक्ष्मण जी ने अपना रथ सजाए और दक्षिण दिशा होते होते उत्तरी दिशा में सीता जी को गर्भावस्था में लाकर यहाँ पर छोड़ गए। तो यहाँ पे कजरी का बहुत घनिष्ठ जंगल था, यहाँ पे बाघ भालू जो रहते थे इसी जंगल में। तब लक्ष्मण जी ने अपना रथ लेकर यहाँ पर पहुंचे तो कहीं इतना विकट सा कजरी का वन है और जल का व्यवस्था है नहीं, कैसे जीवन यापन होगा। तो लक्ष्मण जी ने अपना बहुवेदी बाण मारा तो सीता कुंड सरोवर सात कोस का यहाँ पर उत्पन्न हुआ। फिर यहीं पे माता जी ने अपना जल पीने लगी, फिर यहीं पे लवकुश का जन्म हुआ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। और वाल्मीकि जी इसी जंगल में अपना तपस्या करते थे और यहीं पे रहते थे अपना इसी जंगल में। तो यहीं पे लवकुश का जन्म हुआ, लवकुश को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिला महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। फिर जब भगवान ने यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा तो भगवान ने जो यज्ञ के लिए जब घोड़ा छोड़ा तो लवकुश ने इस वट वृक्ष में घोड़ा को बांध दिया। वट वृक्ष यहाँ मौजूद है जिनमें लवकुश, भगवान लवकुश के द्वारा
यहाँ पे घोड़ा को बांध दिया गया था। हाँ वो आज भी उसी में के साथ आज दिखा सकते हैं। हाँ कल दर्शन कराए, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो आए और हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको उस वट वृक्ष का दर्शन कराएं। ये वही वट वृक्ष है, क्योंकि यहाँ पुजारी जी बता रहे हैं कि ये वही वट वृक्ष है जिसमें लव कुश के द्वारा, जो भगवान राम के द्वारा घोड़ा छोड़ा गया था, इसी वट वृक्ष में उसको बांधा गया था। हम पुजारी जी से जानते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। जब भगवान ने एक के लिए घोड़ा छोड़ा तो लव कुश ने इस वट वृक्ष में घोड़ा बांध दिए, उसी में की शाखा है, वही वट वृक्ष है। और ऊपर फिर वाल्मीकि जी का आश्रम है जहाँ लव कुश को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिली है, चलकर वहाँ भी आश्रम में। ये काफी वर्षों पुराना लग रहा है, काफी वर्ष ये, मतलब इसका देख रेख कैसे होता है यहाँ पे, क्योंकि काफी वर्षों से ये लगा हुआ है। हम जब से देख रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि ये हजारों वर्ष पुराना पेड़ है, वट वृक्ष है ये। तो क्या है मतलब इसका, जो इसके बारे में लोग कहते हैं कि काफी पुराना है, तो इसके बारे में क्या? ये बहुत काफी वर्षों पुराना है, जो कजरी के बन के अभी भी 7 पेड़ मौजूद है उस समय का। जैसे 2 वट वृक्ष है और एक कल्प वृक्ष, 4 पीपल का वृक्ष है, जो उस समय का आज भी मौजूद है। तो उसी समय का ये है वट वृक्ष। महर्षि वाल्मीकि जी का जो आप बता रहे हैं, यहाँ पे मंदिर भी मौजूद है, वो कहाँ है जहाँ पे वो तपस्या कर रहे हैं? चलिए अभी वहाँ भी कैमरामैन से हम कहेंगे कि वो हमारे साथ आए और महर्षि वाल्मीकि जी का जो मंदिर है जहाँ पे वो तपस्या करते थे उसको वो दिखाएं, क्योंकि जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, वो ये जरूर देखना चाहेंगे कि भगवान लव कुश जिनसे शिक्षा प्राप्त किए थे, वो महर्षि वाल्मीकि जी का जो मंदिर है वो कहाँ है। तो हम क्योंकि पहुँच चुके हैं यहाँ पर, ये महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी मौजूद हैं। हम यहीं के पुजारी जो हमारे साथ में हैं उनसे हम जानेंगे कि यहाँ की जो महत्वता है वो क्या है, आखिर लोग कैसे जानते हैं। ये उसी आश्रम है जहाँ लव कुश को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति, आप उस आश्रम पे पहुँचे हैं, महर्षि वाल्मीकि आश्रम पे, जहाँ लव कुश को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिली है। ये महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है और यहीं पे जो ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिली, और हमारे यहाँ कल्प वृक्ष का पेड़ भी मौजूद है, जहाँ जो है जैसे गौतम बुद्ध को सरावस्ति में पीपल वृक्ष की तरह ज्ञान प्राप्ति मिला था, उसे महर्षि वाल्मीकि को कल्प वृक्ष की तरह, तो कल्प वृक्ष का भी दर्शन करें चलकर। पुजारी जी ने बताया है कि यहाँ कल्प वृक्ष का भी पेड़ मौजूद है, उसका भी पुजारी जी दर्शन करवा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक महत्व है यहाँ पे। और क्योंकि हम जब यहाँ आए हैं तो आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, हर एक उस चीज़ को दिखाएंगे जो आस्था का केंद्र है। हमारे साथ क्योंकि पुजारी जी फिर से मौजूद हैं, और क्योंकि जो पेड़ है यहाँ पे जिसका महत्व है, वो पुजारी जी से पूछेंगे कि क्या महत्व है इसका। इसका महत्व ये कल्प वृक्ष पेड़ है, ये कभी डबल पौधा इसमें उत्पन्न नहीं होता, ना इसमें फल फूल कभी आता है। और लोग अपनी अगर मन में श्रद्धा लेकर आते हैं तो इसमें धागा बांधते तो उनकी मनोकामना माता जी पूर्ण करती हैं। तो ये कल्प वृक्ष है, जिला श्रावस्ती सीताद्वार मंदिर लौका राजधानी है, श्रावस्ती लौकुश राजधानी। पुजारी जी आपने ये बताया है कि जब माता सीता यहाँ पहुँची तो जब उनको प्यास लगा तो भगवान लक्ष्मण के द्वारा यहाँ तीर चला करके एक झील बनाया गया, एक झील उत्पन्न किया गया। वो झील कहाँ है वो हम, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उनको हम दिखाना चाहेंगे, उस झील का थोड़ा आप दर्शन कराइए, उसके बारे में बताइए। ठीक है, सीता कुंड सरोवर है झील, चलकर देखिए। तो पुजारी जी हमें ले चल रहे हैं सीता कुंड सरोवर झील, यहाँ पे है जो भगवान लक्ष्मण के द्वारा तीर चलाकर उसे उत्पन्न किया गया था माता सीता का प्यास बुझाने के लिए। तो हम वहाँ आपको ले चल रहे हैं, काट दो। तो हमारे साथ श्रावस्ती के सीता द्वार मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं और वो हमको लेके आए हैं जहाँ पर भगवान लक्ष्मण के द्वारा तीर चलाकर झील को उत्पन्न किया गया था। तो क्योंकि हम यहाँ पहुँच चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये वही झील है जहाँ पे पुजारी जी ने बताया है कि यहाँ पे जो भगवान लक्ष्मण के द्वारा तीर चलाया गया था जिसके बाद ये झील उत्पन्न हुई थी। पुजारी जी से हम जानते हैं कि इस झील का रहस्य आखिर क्या है।
ये जो है सीता कुंड सरोवर झील है। जब सीता जी को यहाँ पे लक्ष्मण जी लेकर पहुँचे तो सीता जी को प्यास लगा, तो पहले सब बंद था, तो लक्ष्मण जी ने बहुवेदी बाण मारा तो ये सीता कुंड सरोवर 7 कोस का ये झील उत्पन्न हुआ, और जो है इसी में माता सीता ने अपना जल पीने लगी और जीवन यहाँ यापन करने लगी। यहाँ पे लोगों का जन्म भी हुआ इसी जल, और ये सब तो जलकुंभी अब तो आ गए, नहीं तो इसमें निस्ता कमल होता था और तिन्ना का चावल पैदावार होता था, और ये सब तो हाल ही से आ गया, इसमें पूर्व का बाढ़ नहीं, पहले सब नहीं था। ये सीता कुंड सरोवर है, जिला श्रावस्ती, सीता द्वार मंदिर, पंडित संतोष दास तिवारी, सभी भक्तों से जय सीताराम। तो सीता द्वार के किस श्रावस्ती जिले के टंडवा महंत गाँव में मौजूद है, और यहाँ की एक अलग ही महत्वता है जिसे आपने श्रावस्ती के सीता द्वार मंदिर के पुजारी के द्वारा सुना है, क्योंकि यहाँ के जो पुजारी हैं उनके द्वारा बहुत ही विधिवत तरीके से यहाँ की महत्वता के बारे में बताया गया है। श्रावस्ती से समाचार न्यूज़ के लिए अभिषेक सोनी।